हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्या है बच्चों? कहा जा रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दी गई है। तो चतुर्थांश को बच्चों क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। एक वृत्त है, ये वृत्त है हमारा, ये क्या है? वृत्त है। और ये हमारा केंद्र है वृत्त का। ये वृत्त का क्या होता है? व्यास। ये भी क्या है? जब व्यास दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट हो जाता है। ये किसी एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। इस पार्ट चाहिए एक का, कोई ये ओ ए बी, इस वाले भाग का हमें एरिया मान लो निकालना है। अब दोनों जो डाईमीटर है इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। यहाँ क्या बन रहा है? राइट एंगल। तो थीटा की वैल्यू हमारी 90 आ गई। या तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। हम आपको पहले भी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट कितने हैं? चार। तो एक सर्कल का चौथाई भाग होता है, तो 1/4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या? एक क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश का, तो ये पूरे सर्कल का चौथाई भाग। तो एक चार से गुणा कर देते हैं 1/4 से, और पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आप लगा के निकाल सकते हो, या फिर θ/360 × πr² लगा सकते हो। दोनों से वही आएगा। थीटा की वैल्यू हमारी 90 होगी, तो 90/360 × πr² तो ये कैंसिल, 9 1 9 4 जा क्या आएगा? 1/4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करेगा क्वाड्रेंट में तो यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल। तो थीटा 90। या तो आप डायरेक्टली ये क्वाड्रेंट का एरिया याद रखें। हमने इंट्रोडक्शन में सेमी सर्कल, सर्कल सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये सारे फार्मूले क्वाड्रेंट और त्रिज्या खंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, सबके बच्चों फार्मूला बताया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप बच्चों देखते हैं कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो हमें दिया क्या गया है? सिर वृत्त की परिधि दी है, दिया है, दिया है हमें क्या? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि में दिया 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि होती क्या है? 2πr। ये हमने इसका भी फार्मूला बता दिया। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक ही चीज होता है। तो वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये होता है 2πr, 22/22 दिया है। अब आर की वैल्यू अगर यहां से निकाले हम तो क्या आ जाएगा? 22/2π। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 22 से 22 का एंसिल 7 पलट के कहाँ चला गया? ऊपर 7/2। तो ये हमारी रेडियस पता लग गई, इस सर्कल की इसकी रेडियस क्या है, तो ये पता लग गया हमें। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब त्रिज्या पता हो गई। तो यहां लिख लेते हैं, क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहां लिख लो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, चतुर्थांश मतलब एक का। तो एक पूरे सर्कल कितने पार्ट हैं? चार, चार से डिवाइड कर दिया, × πr² पाई की वैल्यू, या फार्मूला पहले लिख लो, πr² वैल्यू पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 422/7 × 7 × 7 स्क्वायर है, दो बार लिख दिया, और 2 × 2। ठीक, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2,
टू वन जा टू, तो क्या आ गया, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, ये हमारा आ गया एरिया किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही हमें निकालना था बच्चों, तो हमारा एरिया आ गया तो 77/4। तो बच्चों वीडियो समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, उसे ज़रूर बताया जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।